जिसका भी आँख है, जिसका भी कान है, वो सब समझ जाएंगे। तो हमारे जन को तो हम जाके खुद नहीं मारेंगे ना। अमृत महोत्सव का पॉइजन ही तो है जिसका वजह से लोग मरे गए हैं। तो आप हमें कभी मिलिटेंट्स बुला रहे हो, कभी आप हमें टेररिस्ट बुला रहे हो। उनके उतने ज्यादा नहीं मारे गए क्योंकि उनके गाँव नहीं जला गए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ रोल भी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ प्रेसिडेंशियल पावर। हर गाँव में गिरजाघर को तोड़ा गया है, हर गाँव में जलाया गया है, और उसके नृत्य क्लासिकल, भारत के क्लासिकल डांस है, वो आदिवासी समाज के हो ही नहीं सकता है। कुकी के समाज यहूदी धर्म नहीं है। कोई भी शोषित वर्ग के ऊपर में शोषण होता है तो आप उनके बारे में क्यों नहीं लिखते? दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप एक बार देखिए चारों तरफ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मणिपुर जो चल रहा था, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से ये देखा होगा कि किस प्रकार से मणिपुर जल रहा है। लेकिन अब ये जो जलता हुआ मणिपुर है वो दूसरा रुख ले रहा है। दो समुदाय के बीच में झगड़ा है, मैथी और कुकी। मैथी ने 4-5 बार अपना प्रदर्शन कर चुका है। मैथी में 2 कम्युनिटी आती है, हिंदू और मुस्लिम। और कुकी जो है, अभी जो यहाँ पे है कुकी, आप एक बार और देखेंगे कुकी, यहाँ पे हजारों की संख्या में कुकी समुदाय के लोग आए हुए हैं और ये सारे क्रिश्चियन हैं। और अगर आप यहाँ लिस्ट पे नजर दौड़ाएंगे, ये लिस्ट है एक, अगर इस पे देखेंगे डिटेल ऑफ कुकी मिजो जोमी हमार सिविलाइजेशन किल्ड इन द ऑन गोंग स्टेट। ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। हम इन लोगों में से किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, क्या हुआ है। हालांकि हम आप लोगों को लगातार मणिपुर जो जल रहा है उसके बारे में बताया, उस खबरों से हमने आपको रूबरू कराया है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मणिपुर के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जब मैथी समाज के लोग आए थे यहाँ पे तो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं तमाम तरीके की, कुकी समाज के लोग जो हैं घर जला रहे हैं, लोगों को मारे। लेकिन इन्होंने इस तरीके, एक बार और आप लिस्ट अगर देखेंगे तो 80 लोगों का लिस्ट है इसमें जो मर चुके हैं। अभी 83 लोग अभी जो है वो मर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जब मैथी समाज के लोग आए थे उन्होंने आप लोगों पर एलिगेशन लगाए और आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, एलिगेशंस लगाना तो हर जो बोल सकता है वो बोलेंगे, लेकिन पहले बात तो ये है कि हम एक सिटीजन होने के नाते हमारे पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो आप हमें कभी मिलिटेंट्स बुला रहे हो, कभी आप हमें टेररिस्ट बुला रहे हो, और जबकि वैली में अभी ट्राइबल कुकीज और है नहीं और लूटे चल रहे, तभी भी सेम हमें ये कह रहे हैं कि ये तो टेररिस्ट, मणिपुर कुकी टेररिस्ट लोगों का काम है। तो आप इसमें ही समझ लीजिए कि द 2+2 फॉर्मूला डजंट एड अप टू 4 यहाँ पे। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सारा ये जो हत्या हम कर रहे हैं, तो हमारे जन को तो हम जाके खुद नहीं मारेंगे ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी यू नो लूप साइडेड स्टोरी। ये नैरेटिव जो है ना सारा गलत जा रहा है। उधर के भी लोग तो मरे हैं, उधर भी लोग मरे हैं, तो वो खुद के लोगों को खुद से मार लिया। नहीं तो देखिए, आप ये देखिए, कानूनी तौर से भी आप, एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू डिफेंस। तो आप अगर हमारे घर आओगे, आप ऐसा जला दोगे हमारे घर बरस्ती को, एंड फॉर मेनी पीपल इट इज द ओनली दैट दे हैव, है ना। उन्होंने पहले शुरुआत की, हाँ, क्योंकि हमारे क्यों? जो 3 मई को जब हमने प्रोटेस्ट किया था वो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो उस बीच में वो जाके हमारा एंग्रो कुकी वॉर का जो मेमोरियल गेट है वो उन्होंने जला दिया। आप लोग नहीं चाहते कि वो उन लोगों को एससी कैटेगरी मिले? नहीं, वो हमारे चाहने नहीं, चाहने का नहीं है, क्योंकि उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको ये लगता है कि उनका क्लेम सही है तो ठीक है, आप उसको पार्लियामेंट में यू नो, या तो आप प्रेसिडेंशियल, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा प्रेसिडेंट का, तो आप एक सही तरीका से आप चले जाइए। नहीं, उन्होंने डिमांड किया जब स्टेट गवर्नमेंट से, तो उन्हें अलाउ कर दिया गया कि आप इसमें ना, अगर आप देखो तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ रोल भी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ प्रेसिडेंशियल पावर। ओके, सो इफ दे अगर वो ये कहते हैं कि उनके क्लेम्स सस्टेनेबल, तो आप प्रॉपर प्रोसीजर कीजिए ना। तो इस वजह से इट्स नॉट अबाउट अस वेदर वी वांट और नॉट, हम कोई नहीं होते रोकने वाले, लेकिन आप जो तरीके अडॉप्ट करते हो ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि 3 मई से पहले भी नवंबर को क्या हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर ले लिया, उन्होंने नोटिफिकेशन आए थे। फिर उसके बाद हमारे 3 जो चर्चेस थे ना, जो 1974 से खड़े थे, उसको अनऑथराइज बोल दिया हाईकोर्ट ने। फिर वो सुबह 3 बजे को जाके उसको रेज डाउन किए। ये अब इतना भी क्या जल्दी था कि आप सुबह 3 बजे को जाके, हाँ, एक प्लेस ऑफ वर्शिप, तो ये सबको देखते हुए ना, ये धीरे धीरे जो एंटागोनाइजिंग सिचुएशन है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मैथी समाज के लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट भी है?
मैं तो नहीं कहती हूँ, लेकिन इट्स फॉर एवरीवन टू सी, जिसका भी आंख है जिसका भी कान है वो सब समझ जाएंगे। तो मेरा कहना या किसी और का कहने से नहीं होता, बिकॉज द सिचुएशन द सर्कमस्टेंसेस स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। लेकिन इस चीज को ज्यादा बना दिया गया, अगर कोई आप डिमांड कर रहा है उसका राइट है, उसको संविधान अधिकार देता है कि आप अपना डिमांड कर सकते हो। लेकिन डिमांड में अगर कोई किसी के साथ, वो उन लोगों का कहना है कि वो लोग डिमांड कर रहे थे और इन लोगों को अच्छा नहीं लगा तो इन लोगों ने हमारा घर जला दिया। नहीं तो जब हम पीसफुल, आप डिमांड कीजिए सही है, हमारा भी हक होता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, हमने भी पीसफुल प्रोटेस्ट लगाया, लेकिन आपने क्यों जाके ये शुरू किया? लेकिन इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एक्चुअली। कुकी समाज को ज्यादा एरिया है रहने के लिए, राइट? सी बिकॉज वी आर ट्राइबल, सो ऑब्वियसली द हिल्स जो है वो हमारा लैंड होल्डिंग्स है ना। 1950 से पहले ये लोग भी ट्राइबल थे, वो मुझे नहीं पता, वो तो वो कहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है ना। क्योंकि मुझे जितना मालूम है कि उन लोगों ने ऐसे क्लेम किया है, क्लेम करने के लिए कोई भी कुछ क्लेम कर ले, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी तो चाहिए होते हैं ना। उन लोगों ने कहा है कि 1950 से पहले वो लोग भी ट्राइबल थे। बिल्कुल नहीं, जो राजधर्मा का साथ है, जिसके भाषा 8 शेड्यूल में है और उसके नृत्य क्लासिकल, भारत के क्लासिकल डांस है, वो आदिवासी समाज के हो ही नहीं सकता है। आप पूरे भारत में देखें जहाँ जहाँ पे आदिवासी वो लोकगीत में आते हैं, लेकिन मणिपुरी जो डांस है वो भारत की क्लासिकल नृत्य में है, जो जिसकी आर्ट एंड कल्चर इतनी ये है। और उसके अलावा उन लोगों ने आदिवासी कुकी या नागस में छुआछूत किया है, हाउकी मचा बोला है, यहाँ तक कि छुआछूत की जो पानी तक उनके घर से नहीं पिया जा सकता है। आज उसकी जो भी संविधान ने आरक्षण के वजह से जो भी उठ पाया है, प्रगति हुई आदिवासी समाज के साथ, आज उनके जल जंगल जमीन को लेने के षड्यंत्र में आप शेड्यूल ट्राइब लेके जब इनके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, आप उनके घर में जाकर तोड़ फोड़ करके दंगे मचा, जो आज की महीना, आज जो 3 मई से शुरू करके आज तक चले आ रहे हैं। तो आप लोग का जगह हिल्स पे है ज्यादा, और आप लोगों को इतना अधिकार है कि आप उनके भी जगह पे रह सकते हैं, वैली में भी, बट वो लोग आपकी जगह पे नहीं आ सकते। अभी भी छुआछूत है क्या? छुआछूत उस तरह से नहीं है, लेकिन बहुत सारे, जैसे कि आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में इम्फाल के डिस्ट्रिक्ट कमीशन कभी भी किसी आदिवासी, मणिपुर के आदिवासी के नहीं होंगे। ये तो एक तरह से वो एक छुआछूत ही तो है। और दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे कौन से आदिवासी के पास इतने पैसे और इतने धन है जो ज़मीन पे जाके खरीद सकेंगे, वो अभी तो अभी भारत के संविधान के अंतर्गत जिसको अधिकार मिलने के कारण कुछ लोगों ने ऐसा ज़मीन खरीदा है जिसके हर घर को पहचान के उसको तोड़ फोड़ किया गया है। मतलब वैली में रहना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू हिल्स में? डेफिनेटली, इसलिए क्योंकि वैली में सारे अच्छे स्कूल्स है, अच्छे कॉलेजेस है, सारे कार्यालय है, और जितने भी अच्छे स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल, कोई भी पहाड़ी एरिया पे नहीं है। तो वो तो आपके विकास की जो फल है वो तो सिर्फ वैली में ही है ना। अब आपके वहाँ पे गृह मंत्री गए हुए हैं, अमित शाह 2 दिन से वहीं पर हैं और उनके सामने भी ये सब हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। अमित शाह जी वहाँ पे गए हैं, गृह मंत्री जी, उसने अब वर्तमान स्थिति को जो दिल्ली से बैठ के जो समझ नहीं पाया, आप मणिपुर में जाके खुद अपनी आँखों में देख के, आई एम श्योर, मेरा उम्मीद है कि वो समझ पाएंगे और इस मसले के हल वो बहुत जल्द निकालेंगे। तो अभी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो गेम चल रहा है उधर से आप लोगों पे, और आप लोग उस पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, हालांकि उनके भी कुछ लोग मारे गए हैं और आपके भी मारे गए हैं। उनके उतने ज़्यादा नहीं मारे गए क्योंकि उनके गांव नहीं जला गया, उनके मंदिर में तोड़ फोड़ने गया, हर गांव में गिरजाघर को तोड़ा गया है, हर गांव में जलाया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत तो उन लोगों ने की है। टीवी आपने नेशनल टेलीविजन की अगर बात करें तो उस पे इतनी खबरें नहीं है मणिपुर की, क्यों? रीजन दैट इज फॉर द मीडिया टू टेल अस व्हाई इज इट कि हमेशा ये जब भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंसिडेंट हो हमेशा हमें क्यों साइडलाइन कर दिया? नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, जब भी किसी दलित समुदाय के साथ कुछ भी होता है, आदिवासी के साथ, आप मीडिया वाले हमें बताएं कि आदिवासी या कोई भी शोषित वर्ग के ऊपर में शोषण होता है तो आप उनके बारे में क्यों नहीं लिखते? हमारा सोशल मीडिया है मैडम, हमारा सोशल मीडिया है, हम यूट्यूब चैनल वाले हैं, हम लोग नेशनल टेलीविजन वाले नहीं है। हम लोग तो मुद्दे उठाते हैं, हम उस चैनल के बारे में पूछ रहे हैं जो आप
टीवीओ पे देखते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कहीं ना कहीं वाइज हो रही है, ज्यादा से ज्यादातर उनके वो उसी के साथ देते हैं क्योंकि उन्हीं के लोगों के साथ उठना बैठना है। ज्यादा से बात है कि नेशनल टीवी चैनल वाले आदिवासी लोगों से उठना बैठना नहीं है, जिसको उठना बैठना नहीं है उन्हीं लोगों के प्यार में नहीं लिखते। भारत अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, सबको मालूम है अमृत काल में हम लोग जी रहे हैं और आज भी आदिवासी और पिछड़े बहुत पीछे हैं। ये मणिपुर में जो हुई पिछले 20 दिन की घटना यही बता रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की अमृत या उसका जो पॉइजन कहाँ तक फैल रहा है। ये महोत्सव का पॉइजन, अमृत महोत्सव का पॉइजन ही तो है जिसके वजह से लोग मरे गए हैं, जिसके वजह से उसके दर्दनाक और इतने सारे लोग मरने के बावजूद भी उसके बारे में खबर नहीं आया है। और अगर मैं ऐड करूं तो मुझे ये लगता है, जैसे देख लीजिए ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये आदिवासी लोग ट्राइबल्स हो या शेड्यूल कास्ट भी आप ले लो, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक प्रोटेक्शन देती है। तो अगर सरकार ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अगर पूरा रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया होता तो मुझे नहीं लगता कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे आपने मेंशन किया 75th ईयर हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस ना, ये काफ़ी टाइम है और कितना साल हम ऐसे जाएंगे। तो एक ये कहते हैं कि रिजर्वेशन को हटाओ, लेकिन रिजर्वेशन हटने के लिए वो इक्वल ट्रीटमेंट आया है जो हमारे लिए भी फंडामेंटल राइट्स है ना। नहीं, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे कि जो कुकी है वो लोग माफ कीजिएगा ये मेरी बात नहीं है, वो लोग उन लोगों का इजराइल से संबंध है, कुछ कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं। कुकी के कई लोग यहूदी धर्म अपना के इसराइल में चले गए और लेकिन उनके जो जड़ें हैं मणिपुर के साथ है, तो इसलिए उन लोग ने अपनी दुख दर्द उसी सरकार को प्रकट किया। लेकिन पूरे कुकी के समाज यहूदी धर्म नहीं है, कई लोग यहूदी धर्म अपनाया है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ड्रग्स का काम करते हैं ये लोग, ये करते हैं ड्रग्स का काम सिर्फ कुकी नहीं, ड्रग्स या नशेरे जो बेचते हैं या करते हैं उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई समाज नहीं होता है और हर समाज उसके खिलाफ है और कुकी समाज भी इसके खिलाफ है। तो आपने देखा किस तरीके से आपने आजकल जो लगातार हम लोगों ने आपको खबर दिखाई है कि कुकी समाज के लोग और मैथी समाज के लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हालांकि कुकी समाज के लोग है ये दूसरे दिन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मैथी समाज के थे वो 4 से 5 दिन करके जा चुके हैं। जो ये जो एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, हमारे लोग इतने मारे गए, तुम्हारे लोग इतने मारे गए, लेकिन आपको एक मैं बात बता दी, अगर आप दलित समाज से हैं तो ये लोग जो भी हैं वो ट्राइबल्स के हैं और इन लोगों को हक नहीं है कि ये लोग, क्योंकि ये लोग एसटी से आते हैं, इन्हें अब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की वजह से इन लोगों को अधिकार मिला है कि ये वैली में भी जाके रह सकते हैं, लेकिन जो वैली में रहते हैं वो हिंदू और उसमें मुसलमान है कुछ, और वो लोग ओबीसी समाज में आते हैं और इन लोगों का कहना है जब वो लोग एसटी में आना चाहते थे तो इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया और उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। इतनी सच्चाई है क्या झूठ है? इन लोगों का एक और कहना है कि जब भी दलितों की बात आती है, एससी एसटी की बात आती है, तो सरकार से लेके अपर कास्ट के लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपकी पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।